नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी पेरेंट चैनल पे। और बस ये मेरे सुबह सुबह का रूटीन का थोड़ा सा क्लिप है और यहाँ पे मैं अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही हूँ और क्लचर इत्तफाकन मैं फिर से भूल चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ये मेरी आदत है। और मुझे लगता है जितने भी गर्ल्स एस्पायरेंट होंगी वो इसे रिलेट कर सकती हैं कि कभी रबर तो कभी क्लचर खोने की हमारी आदत हमेशा रहती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 8 बज गए और बाकी बाहर चिड़ियों के चहचहाट की आवाज़ आ रही है अभी, तो देख के अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है सुबह सुबह। बाकी हर रोज़ मैं मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं जा पाती हूँ और हर रोज़ सुबह भी नहीं उठ पाती हूँ, कभी मॉर्निंग कभी बीच बीच का ऐसा हो जाता है। बाकी आप लोग मॉर्निंग पर्सन हैं, कैसा है आपका रूटीन ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी आपने जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुना है वो मोर की आवाज़ थी, सभी पहचान भी रहे होंगे, मुखर्जी नगर में जगह जगह पे मोर दिख ही जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी जाती है, तो सुबह सुबह सुन के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि साइंस के लिए आप क्या कर रही हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो स्पेशली साइंस के टॉपिक से ही रिलेटेड है कि मैं साइंस कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सेक्शन के लिए मैं कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सिर्फ मेरे दो ही सोर्सेज हैं, एक तो बुक जहाँ से कि मैं पढ़ती हूँ और एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस जो मैं लगाती हूँ, तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर एमसीक्यू लगा रही हूँ घटना चक्र की जो बुक है उससे, उसका थंबनेल में आपने वो देख लिया होगा कि कैसे दिखती है बुक। तो बाकी अभी तो स्टार्ट की हूँ मैं प्रीलिम्स के लिए, तो छोटे छोटे टॉपिक लेके मैं चल रही हूँ जिससे कि ज़्यादा परेशानी ना हो, एक साथ बर्डन ना हो जाए। अभी मैंने भौतिक विज्ञान के दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं घटना चक्र से, पहला चैप्टर मात्रक या इकाई वाला था और दूसरा मापक यंत्र एवं पैमाने का जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट की हूँ। उसके बाद अब मैं जीव विज्ञान पे आती हूँ जिसमें कि दो चैप्टर कोशिका और अनुवांशिकता मुझे करना है यहाँ से। और आप चाहे तो इसको टॉपिक वाइज में बांट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भौतिक विज्ञान को बांट रखा है 1, 2, 3 सेक्शन में, और इसी के अनुसार आप लोग इस पूरे बुक को कवर कर सकते हैं। ऐसे मुझे आसानी लगती है कवर करना, एक बार में आप एक टॉपिक को कवर करके फिर नेक्स्ट उस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हैं, इससे बोझिल नहीं होगा। और इसमें जितने भी पीसीएस हैं उसके सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, तो ये मुझे बेहद आसान लगता है बजाय कि आप 3-4 सोर्स को कवर करें। तो बेहतर होगा कि आप सोर्स को लिमिटेड रखें और एक ही बुक को, एक ही जो आपने सोर्स रखा है उसे बार बार रिवाइज़ करें, इससे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं और आपको बार बार भागना नहीं पड़ता और एक बर्डन नहीं होता माइंड पे कि मुझे ये बुक भी पढ़ना है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने 1869 ईस्वी में की थी और इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसकी खोज को किया था किसने, जेम्स वाटसन था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये आप सभी को बेसिक सा लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब भी आता है कि डीएनए की खोज किसने की थी और उसमें ऑप्शन में अगर जेम्स वाटसन था फ्रांसिस क्रिक रहता है तो अधिकांश लोग इसे ही टिक करके आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है कि डबल हेलिक्स की खोज की गई थी जेम्स वाटसन के द्वारा और डीएनए की खोज की गई थी फ्रेडरिक मिसन के द्वारा 1869 ईस्वी में। और ये खाना बनाते वक्त का थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने ऐड किया है क्योंकि खाना आजकल रूम पे ही बना रही हूँ, टिफिन वगैरह मैंने प्रॉपर अवॉइड कर दिया है और खाने में यहाँ पे थोड़ा सा भुजिया वगैरह है, तो वही सब का क्लिपिंग है। और यहाँ पे अब
नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ वो बेसिकली मैं रिवाइज़ करूँगी इसको, जो कि 68वीं के समय मॉडल प्रश्न पत्र आया था एडुटेरिया का, वही है ये। उस समय मेंस और प्रीलिम्स के बीच में काफ़ी कम गैप था, 67वीं का जो मेंस था उसके बीच और 68वीं प्रीलिम्स के बीच काफ़ी कम गैप था, इसलिए मैंने इसका अच्छे से रिविज़न नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल इसी को मैं रिवाइज़ करूँगी, और मेरे पास जितने भी टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट हो चाहे फिर प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन हो, फिलहाल तो मैं उन्हीं सब को कम्प्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगस्त का जो सेकेंड या थर्ड वीक होगा उस वीक से मैं 69वीं के लिए जो भी टेस्ट पेपर आएंगे उनको मैं कवर करूँगी। वैसे एडुटेरिया का जो 1 से 4 तक टेस्ट पेपर आया हुआ है उसको मैं लगा चुकी हूँ, बाकी जो अन्य आएंगे उसको मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगी। और अब समय हो गया है शाम के चाय पीने का, तो यहाँ पे चाय मेरी अच्छे से उबाल मार रही है और देख के अच्छा लग रहा है। कभी कभी ये बीच में गिर भी जाता है, वैसे ये गिरा नहीं इस बार होपफुली। तो चाय वाय पीने के बाद जो भी सेशन होगा वो शुरू होगा, लेकिन एक लंबा अंतराल हो जाता है यहाँ पे इवनिंग वॉक के बाद। तो फ़िलहाल चाय इन्जॉय करते हैं और मिलते हैं लगभग 1-2 घंटे के बाद। और यहाँ पे अब मैं साइंस पढ़ रही हूँ, ये सामान्य ज्ञान की जो मेरी बुक है किरण पब्लिकेशन की, उसी से। और ये आपने लगातार मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने बार बार इसका जिक्र किया है, और शुरू से मैं एक ही बुक को फॉलो कर रही हूँ। और इस बार मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा रिप्लेस करके इसी का जो नया वाला वर्जन है, नया जो आया है इसका एडिशन, वो ले लूँ, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया और मैं सोची इस बार इसी से काम चला लेते हैं। तो फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें महत्वपूर्ण मात्रक का जिक्र किया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग इसमें टिक भी लगा सकते हैं। सारा तो याद रहने का चीज़ है नहीं, वैसे रिवीजन से एक बार होता है कि आप केस कर सकते हैं सामने अगर ऑप्शन हो तो बेहतर है कि आप इसको एक बार देख लें। इस वीडियो में जो मैंने अपने 2 सोर्स बताए हैं साइंस के, उसको कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी आ रही है तो आप एक और काम कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग का आप सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट आता है उसमें आप साइंस का टेस्ट पेपर उठा लीजिए, उसको अच्छे से आप बार बार सॉल्व कीजिए। 2-3 टेस्ट पेपर उठा लीजिए साइंस का, जैसे एडुटेरिया का हो गया, आस्था आईएएस का हो गया, और इम्तिहान का भी शायद आता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, तो उसको उठा के आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद गलत हुए जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक जाके आप मेन बुक से पढ़िए, और फिर से घटना चक्र को एक बार लगाइए और रिवीजन कीजिए। ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत काम करता है, उम्मीद है कि ये आपके लिए भी उतना ही काम करेगा। बाकी इस वीडियो में मैंने अपनी साइंस की स्ट्रेटजी, अपने जो सोर्स हैं उसको शेयर किया है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।